सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको विनका यानी सदाबहार के प्लांट को केयर कैसे करते हैं, इसको ग्रो कैसे करेंगे और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर कैसे पाया जाए, तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो विनका का प्लांट होता है ये परमानेंट प्लांट होता है, तो इसको आप किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। इनको सबसे अच्छी बात है कि आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इनके बहुत सारे सीड स्पॉट्स बन जाते हैं, इनको भी आप सीड से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो बारिश के मौसम में इनके जो सीड्स हैं वो खुद से गिरने के बाद खुद से बहुत सारे प्लांट उग जाते हैं। तो ये मेरे पास देसी वैरायटी है और इसके मेरे पास दो कलर के प्लांट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सफ़ेद कलर का और ये पिंक कलर का। तो ये दोनों वैरायटी आपको मोस्टली आपको कहीं भी रोड के किनारे भी आपको उगी हुई दिख जाती है। विनका की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसको कोई भी जानवर खाता नहीं है, क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्लांट है और मेडिसिनल प्लांट को ज़्यादातर आपने देखा होगा कोई भी जानवर खाते नहीं है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट होता है ये और बहुत ही आसानी से ग्रो करने वाला प्लांट होता है। इसके अलावा अगर आप हाइब्रिड विनका की बात करें तो आपको नर्सरी में कई सारे वैरायटी के प्लांट आपको मिल जाएंगे। नर्सरी में आपको विनका के एक प्लांट की कॉस्ट आपको 15 रुपये देनी होगी, 10 से 15 रुपये में एक प्लांट आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इसके आप देख सकते हैं बहुत सारी वैरायटी होती हैं, लगभग 15 से 20 वैरायटी होती हैं और आप देख सकते हैं सबके कलर बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सुंदर प्लांट दिखता है। सबसे अच्छी बात है कि इनकी बहुत ज़्यादा केयर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनमें फर्टिलाइज़र ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप देख सकते हैं हाइब्रिड वैरायटी में बहुत सारे बड़े बड़े तरीके के फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही सुंदर सुंदर कलर इनके दिखाई देते हैं। तो नर्सरी में बहुत आसानी से आप इनको ले सकते हैं और इस टाइम आपको बहुत आसानी से ये प्लांट मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्लांट को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, तो अगर आपको इनकी कटिंग मिल जाए तो आप इनकी किसी भी तरह की कटिंग को लेके मिट्टी में लगा देंगे तो ये बहुत जल्दी ग्रो करने लगते हैं, इनमें रूट्स आ जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने विनका के प्लांट को बहुत छोटे से पॉट में लगा रखा है और आप इसी तरह से कई सारे जो वेस्ट आपके पास बॉटल्स होती हैं या आपके पास किसी भी तरह के छोटे से पॉट मिल जाते हैं उनमें आप इनको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इन पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी इनमें आपको लगने लगे कि इनकी पत्तियाँ का साइज़ छोटा हो रहा है और इन पे फ्लावर का साइज़ भी छोटा हो रहा है या फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके पॉट में इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, यानी रूट बाउंड जिसे कहते हैं। तो इसके कारण हमारा जो प्लांट है वो फ्लावर कम देता है और फ्लावर भी नहीं आते हैं। तो आपको सबसे पहले तो इस पूरे प्लांट को बाहर निकाल लेना है और उसके बाद इनकी रूट्स को थोड़ी थोड़ी ट्रिम करने के बाद आप फिर से इनको नए सॉयल मिक्स में लगाइए, जिससे इनकी जो रूट्स हैं वो फिर से ग्रो होंगी। तो सॉयल मिक्स की अगर बात करें तो उसमें आप गोबर की खाद ले सकते हैं, 30% गोबर की खाद, 70% सॉयल वाला पॉटिंग मिक्स, इसमें आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। वैसे तो विनका के प्लांट को आप नॉर्मल सॉयल में भी लगा देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत आसानी से ग्रो होने वाला ये परमानेंट प्लांट है। विनका के प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है, इनको जितना ज़्यादा आप सनलाइट देंगे उतना अच्छे से ये ग्रो करेंगे। और आपको ध्यान रखना है, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनकी पत्तियाँ बहुत जल्दी पीली पड़ने लगती हैं, उसका ये कारण होता है कि इसमें आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं और उसके कारण आपका प्लांट पीला पड़ रहा है, उस पर फ्लावर नहीं आ रहा है, तो ये भी एक कारण होता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उस कंडीशन में आप इनको रेगुलर वाटर दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है विंटर के टाइम में इनकी पत्तियां पीली पड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है ओस का पड़ना या कोहरा का गिरना, तो उसके कारण बहुत जल्दी इनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो आप ध्यान रखिए कि इनको सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा दें विंटर के टाइम में भी, और जब आपको लगे कि कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो इनको थोड़ा सा शेड एरिया दे दीजिए, जिससे इनको कोहरे से नुकसान नहीं पड़ेगा और विंटर में भी इनमें बहुत सारी फ्लावरिंग होगी। तो अब हम बात करते हैं अगर आपका प्लांट पीला पड़ चुका है तो उसको हम सही कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्लांट में हमको वाटर देना कम कर देना है, उसके बाद जब हम प्लांट को थोड़ा सा ड्राई मिट्टी होने लगेगी तो उसके बाद इसमें हम DAP के लगभग
10 से 15 दानों को स्टेम से दूरी पर डालेंगे। आपको स्टेम के पास नहीं डालना है, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। और DAP डालने से आपका जो प्लांट है वो लगभग 7 से 8 दिन में डार्क ग्रीन होना शुरू हो जाएगा और उनकी पत्तियाँ भी डार्क ग्रीन आपको दिखेंगी और उनमें फ्लावर भी अच्छे से आता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपने पीले होते हुए प्लांट को सही कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेरा जो विनका का दूसरा प्लांट है उस पर कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई थी। अगर आप विनका के प्लांट को फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो मंथ में एक बार आप इनमें गोबर की खाद को डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती छानने पे बचती है उसको आप हल्का सा वॉश करके इन प्लांट के चारों ओर डाल सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र होता है जो हमारे प्लांट को काफ़ी अच्छे से ग्रो करने में मदद देता है। तो ये बहुत ही आसान सा सिंपल सा प्रोसेस है हमारे विनका के प्लांट को ग्रो करने का, इसमें ज़्यादा फ्लावर पाने का, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे प्लांट में है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।